कर दोस्तों, मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मीत हुड्डा आखिरकार अब एक्सपोज करती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि उसने साफ साफ बोल दिया है कि अब मुझे पता चल चुका है कि आखिरकार मोहन को किसने मारा था और मोहन के दोस्त को लगातार उसके साथ में क्या करा जा रहा है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि सभी लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिंतित भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ इस तरीका से भी देखने को मिलने वाला है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट बदलेगा, नया रंग बदलता हुआ नजर आने वाला है, जब मनमीत पहलवान को पता चलेगा कि इन सब के पीछे तुम्हारे भाई और भाभी का भी हाथ है। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि मीत हुड्डा ने मनमीत को पूरी खबर बता रहे हैं कि आखिरकार दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सुमित का जो किडनैप हुआ था उसमें सबसे मुख्य वजह और मेन वजह बनी थी कोई और नहीं, बल्कि आप लोग जानते हैं कि मेन वजह की अंतर क्या है। लेकिन इस वक्त जो कि छोड़ने वाला नहीं है मनमीत पहलवान अपने भाई को भी, क्योंकि उसने बोल दिया है कि जो जो गुनहगार हैं सबको सजा खुद मैं अपने हाथों से दिलाऊंगा। और वाकई में दोस्तों ये बिल्कुल सोचना भी सही है मनमीत का। लेकिन मीत हुड्डा की बात की जाए तो मीत हुड्डा को पता है कि हमारे घर में आखिरकार ये चल क्या रहा है और ऐसा ही क्यों चल रहा है। क्योंकि जहां तक बात की जाए इस समय ट्विस्ट की, तो वो एक और नया ट्विस्ट भी दर्शाती हुई नजर आ रही है कहानी। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में एक और भी नया तरीका से ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से यहाँ पर चीकू को मारने के लिए जो साजिश रची थी आखिरकार उसको एक छोटी बच्ची ने ना फेल कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि फेल करने वाली शख्सियत कोई और नहीं बल्कि मीत हुड्डा की खुद की बिटिया यानी कि सुमित थी, जो कि उसने चीकू को बचा लिया था। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइए गाइज कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को सपोर्ट